हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये दोनों ही स्पेसिफिक रिजर्व हैं जो किसी पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं और इन्हें हम फ्री रिजर्व लाइक जनरल रिजर्व की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। और जो कि आपको आप जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले इसका हम जानते हैं मीनिंग वन बाय वन, इनका मीनिंग क्या है। तो हम आज सबसे पहले करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? बेसिकली ये रिजर्व बनाया जाता है वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए। अब हम कंपनसेशन किसे कहते हैं? कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, कि जो हमारे पास काम करने वाले हमारे वर्कर्स हैं, अगर वो किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई हादसे की वजह से अगर कोई नुकसान उन्हें होता है, तो हमें उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। उनके जो उन्हें नुकसान हुआ है उसकी उन्हें भरपाई करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कंपनी रिजर्व बनाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी रिजर्व बनाए जाते हैं वो प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में मीनिंग क्या है हमारा, इसका बेसिकली मेन मीनिंग? तो आपका इसका मीनिंग है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मेट पॉसिबल लाइबिलिटी ऑन ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज इफ इट अराइज। मतलब जैसा कि देखो, आपके सामने मीनिंग है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मेट पॉसिबल लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज इफ इट अराइज। मतलब देखो, क्लियर है कि जरूरी नहीं है कि ये होगा, तो क्या क्या हो सकता है इसमें? इट मीन्स अ क्लेम मे और मे नॉट अराइज। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक क्लेम हो या क्लेम अराइज ही ना हो। तो वैसे में आप क्या करेंगे? क्लेम हो भी सकता है और क्लेम नहीं भी हो सकता है। ऑल्सो इट ऑल्सो मीन्स that claim may be equal, किसके equal? जो हमने रिजर्व बनाया उस रिजर्व के equal, may be equal to
और लेस और मोर देन अमाउंट ऑफ रिजर्व। तो आपके सामने इसका बिल्कुल पूरा मीनिंग क्लियर है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक ऐसा रिजर्व है जो प्रॉफिट में से अलग किया गया है एक ऐसी लायबिलिटी को पे करने के लिए जो रिलेटेड है वर्कमैन की कंपनसेशन से, अगर वो अराइज होती है तो। इसका क्या मतलब है कि वो अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऑल्सो वो इक्वल भी हो सकती है, मीन्स कि हमारे पास रिजर्व है 50,000 और क्लेम भी 50,000 का आ गया, या वो कम भी हो सकती है कि हमारे पास रिजर्व है 50,000 क्लेम कम आया, या फिर वो ज्यादा भी हो सकती है कि हमारे पास रिजर्व है कम और हमें क्लेम ज्यादा देना है। तो हमें इसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने होंगे और कैसे इन्हें किया जाएगा, अब उन्हें हम आगे सीखते हैं। जैसे कि आपको मीनिंग क्लियर हो चुका होगा वर्कमैन कंपनसेशन का, तो यहां पर सबसे पहले हम ब्रॉडली इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब वो कैटेगरी कौन सी हैं दो? पहली कैटेगरी बनाएंगे हम व्हेन क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एक कैटेगरी आ गई कि जहां क्लेम एग्जिस्ट ही नहीं है, क्योंकि देखो हमने पहले ऊपर क्लियर किया था कि इट मींस अ क्लेम मे और मे नॉट अराइज, हो भी सकता है नहीं भी। तो एक क्लेम एक केस ले लिया कि हमने जब क्लेम होता ही नहीं है, तो दूसरा कौन सा लेंगे फिर हम? दूसरा हम लेंगे व्हेन क्लेम एग्जिस्ट, कि या तो क्लेम होगा या क्लेम नहीं होगा। अब फिर यहां पर जो क्लेम नहीं होगा तो उस टाइम हमें क्या करना है, और क्लेम होगा तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा क्या रखना है, ये हम अब करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जब अगर मान के चलो आपका क्लेम है ही नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना है, ट्रांसफर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल और करंट डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर डब्ल्यू सी आर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पर एक और लगा लो आप ओल्ड, कि मीन्स अगर क्लेम एग्जिस्ट नहीं है तो ट्रांसफर डब्ल्यू सी आर जो भी आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स मतलब सभी पुराने पुराने पार्टनर्स, मीन्स इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें आपको नए पार्टनर को ये रिजर्व नहीं देना है। इन कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी उनकी पुरानी रेशियो थी। कैसे करेंगे ट्रीट उसकी मैं आपको जनरल एंट्री बता देता हूं कैसे आपको उसको करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, और हमें क्या करना है, इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो।
उसके बाद हम करेंगे कि इसको बाद में एग्जांपल से भी समझेंगे सभी केसेस को एक साथ। अब हम बात करते हैं कि व्हेन क्लेम एग्जिस्ट। तो क्लेम, पहली पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में था कि क्लेम एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो हमने देख लिया कि अगर क्लेम एग्जिस्ट होता है, नहीं होता है, तो हम उस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंट्री से। तो इसके बाद हमें सीखना है कौन सा, कि व्हेन क्लेम एग्जिस्ट। अब क्लेम एग्जिस्ट कैसे हो सकता है, ये आपने अभी देखा था कि इट मे बी इक्वल और लेस देन और मोर देन रिजर्व। मतलब आपको मेन ये है कि ये आपका इक्वल भी हो सकता है, जो अगर क्लेम एग्जिस्ट हो रहा है तो आपके सामने सिचुएशन है कि वो क्लेम आपके रिजर्व के इक्वल भी एग्जिस्ट हो सकता है, वो उससे कम भी एग्जिस्ट हो सकता है, वो उससे ज्यादा भी एग्जिस्ट हो सकता है। तो यहां पर मल्टीपल केसेस बन गए हैं। तो ये इन तीन केसेस में आपको इसे कैसे करना है उसका ट्रीटमेंट सीखते हैं, और फिर हम इसका करेंगे एक एग्जांपल। तो हमारा केस है व्हेन क्लेम एग्जिस्ट। अब क्लेम एग्जिस्ट में मैंने बताया आपको तीन केसेस हैं कि वो इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो हम करते हैं पहले से। तो हमारा पहला हमने लिया था व्हेन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि जितना आपका रिजर्व है उतना ही आपका क्लेम है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपका जो भी रिजर्व है आपको उसको यूज करना होगा उस क्लेम को देने में। तो उसकी एंट्री होगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। सेकेंड केस, व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेकेंड केस है जब आपका क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से, मतलब आपका क्लेम रिजर्व से कम है, तो मींस आपके पास पैसा बच जाएगा जो कि आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कैसे करेंगे एंट्रीज की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एग्जाम्पल से आपको सारी क्वेरीज आपकी दूर हो जाएंगी। फिलहाल हमें अभी कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट के बाद हमारा नेक्स्ट काम है, हम सीखेंगे फिर इस पूरे टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हमारा इसका लास्ट केस, व्हेन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
अगर हमारा जो क्लेम है वो हमारे रिजर्व से भी ज्यादा है तो उस केस में हमें क्या करना होगा? तो उस केस में हमारा कुछ लॉस हो रहा है, मींस हमारे को क्लेम ज्यादा देना है बट हमारे पास पैसे नहीं है। या फिर ये वो केस भी हम इसको ले सकते हैं कि एक बनाएंगे हम केस नंबर 4 भी, कि व्हेन देयर वाज नो रिजर्व, रिजर्व नहीं है बट क्लेम है। तो पहले इसका देखते हैं, तो इसमें जो लॉसेस है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा करते हैं। तो जो हमारे लॉसेस हैं पहली एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी हमारे पास रिजर्व था, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो हमें लॉस हुआ, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब जो ये लॉस हुआ है ये भी पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर। इसके बाद एक मैं आपको एक केस करा रहा हूं, जो कि हालांकि हो सकता है आपकी बुक में उस टाइप का क्वेश्चन ना मिले अभी सिंपल क्वेश्चंस में, बट वो आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपके लिए वो आ सकता है। वो केस है आपका केस नंबर 4, व्हेन क्लेम एग्जिस्ट बट देयर आर नो WCR, कि क्लेम तो एग्जिस्ट हो रहा है बट हमारे पास कोई WCR है ही नहीं, मीन्स हमारे पास कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है बट उसके अगेंस्ट क्लेम आ गया है। तो उस कंडीशन को भी हमारा जो केस नंबर 3 है इसी की तरह हमें करना है उसे। तो उसमें सबसे पहले तो हम उस क्लेम को पे करेंगे थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, और बाद में इसी रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स बियर करेंगे, जिसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। यहाँ पर जगह कम थी इसीलिए मैंने यहाँ करंट अकाउंट नहीं लिखा है, बाकी आपको इसको क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही करना है। तो मैं एक बार इस फोर्थ को दोबारा से फिर बता दूँ, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है बट उसके अगेंस्ट क्लेम आ गया, तो हम वो क्लेम रिवैल्यूएशन अकाउंट से बियर करेंगे और बाद में उस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम इसको इसी टॉपिक को सीखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक्स वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इन एंड लॉसेस इन रेशो ऑफ 2:3। एक्स और वाई दो पार्टनर है जो 2:3 में प्रॉफिट वो डिवाइड करते हैं। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, वो फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 एज फॉलो, उनकी बैलेंस शीट में उस दिन शो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस,
तो इसने कुछ केसेस हमें गिवन किए हैं, उन केसेस में हम इसको कैसे करेंगे। आपने देख लिया है कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व 40,000 है। एक हमारे लिए जो हमारी काम की होती है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स और वाई, और उनकी रेशो है 2:3। तो सबसे पहले हम पहला जो केस है और सेकंड केस, पहले और दूसरे केस का आंसर बिल्कुल सेम है, क्योंकि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी जाती है तो भी आप यही अज्यूम करोगे कि कोई क्लेम है नहीं, और अगर आपको क्लेम नहीं दिया जाता है, मेंशन है कि कोई क्लेम है ही नहीं, तो इस केस में आप पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन होगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, 2x कैपिटल अकाउंट, मैंने यहां फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान ली है पार्टनर्स की, 2y कैपिटल अकाउंट, और इस 40,000 को हम डिवाइड कर देंगे 2:3 में। 40,000 डिवाइड बाय 5, 8,000, 16,000, 24,000। ये दोनों ही केसेस का सॉल्यूशन था कि अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो या कोई क्लेम ना हो तो आप होल रिजर्व आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो में। फिर बारी आती है हमारी, क्लेम है कितना है, क्लेम 25,000, बट हमारे पास तो रिजर्व 40,000 का है, तो क्लेम पे करने के बाद भी हमारे पास पैसे बच जाएंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स में कितना डिवाइड होगा, 40 में से 25 का हमने क्लेम दे दिया, बच गया 15,000। 15,000 को हम डिवाइड कर देंगे 6,000 एंड 9,000, जो कि इनकी ओल्ड रेशियो है 2:3, मैंने उसमें उसको डिवाइड कर दिया है। थर्ड केस आया हमारा इक्वल वाला, कि हमारा क्लेम 40,000 है, क्लेम भी 40,000 है और रिजर्व भी 40,000 है, तो यहां पर हम रिजर्व को सिर्फ और सिर्फ क्लेम को ही सेटल करने में यूज करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000। लास्ट केस है हमारा कि जब वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 50,000 है, मींस ये हमारे रिजर्व के अमाउंट से भी ज्यादा है, तो हम कैसे करेंगे इसको। रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा है तो इसमें सबसे पहले तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम देना है 50,000, वर्कमैन में हमारे पास है 40,000, 10,000 रुपये हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेने पड़ेंगे, और बाद में यही 10,000 रुपये पार्टनर्स को बियर करने पड़ेंगे। कैसे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 10,000 रुपीज का लॉस दोनों ही पार्टनर 4,000 एंड 6,000, जो इनकी रेशियो थी 2:3, उसमें डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि ऑलमोस्ट 70% इसी से रिलेटेड है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आप इसका जो मीनिंग है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व
सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फर्म टू मेट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, तो उस वैल्यू के फॉल को, उस वैल्यू की कम होने से जो लॉस हो रहा है उसको मेट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं। रिजर्व नेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको हम IFR के नाम से भी जानते हैं, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर भी दो ऑप्शंस आते हैं, जैसे हमने उसमें ऑप्शंस लिए थे दो, तो यहां पर भी फर्स्ट ऑप्शन जो आता है व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ये मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू ये दो दो वैल्यू कैसे आ गई। तो जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने जिस दिन इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था, जैसे ही हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी, जो वैल्यू हमारी बुक्स में मतलब हमारी बैलेंस शीट में शो है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, और जो उसकी मार्केट में वैल्यू है, जैसे हमने मान लो हमने इन्वेस्ट किया था शेयर्स में, अब शेयर्स का प्राइस कभी कम होता रहता है कभी ज़्यादा होता रहता है, तो जो उसकी एग्जिस्टिंग उसकी जो रीसेलेबल प्राइस है वो उसकी मार्केट वैल्यू है। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दो अलग अलग होती हैं। बुक वैल्यू जो हमने रिकॉर्ड कर रखी है, मार्केट वैल्यू जो मार्केट में उसकी प्रिवेलिंग है। तो अगर पहला केस है व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, ये उसी की तरह है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में कोई क्लेम नहीं था, और तो सेकंड इसका अपोजिट आएगा व्हेन मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू, मतलब हमारी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से डिफरेंट है, दोनों ही अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें भी सेम करते हैं हम स्टार्ट। तो जो ये मार्केट वैल्यू अगर सेम है तो सिंपल है, डैट मीन्स वी नॉट नीड रिजर्व, हमें इस रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हम इस रिजर्व को फिर बांट देंगे। कैसे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। वही सेम WCR की तरह ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर बारी आती है हमारी कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से डिफरेंट है, तो आपके सामने माइंड में है कि कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, केस हो सकते हैं, दो ही केस हो सकते हैं बस, मे बी लेस देन मे बी लेस और मे बी मोर। भाई मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से अलग है तो क्या हो सकता है, या तो वो कम हो सकती है या वो ज्यादा हो सकती है, इससे अलावा तो कोई केस नहीं है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट कि ये कम और ज्यादा वाला खेल कैसा है। तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो इसको ही अब करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू सेम है तो आपको सिर्फ एक ही एंट्री करके इसको क्लियर कर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी कि वैल्यू अगर कम और ज्यादा है तो हमें कैसे उसको ट्रीट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा जो ए टॉपिक ही लेते हैं, मे बी लेस देन बुक वैल्यू, कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। इसमें भी बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। केसेस कैसे आ सकते हैं, इन दी सेंस कि हो सकता है आपके पास जो रिजर्व है मार्केट वैल्यू
जैसे इसमें एग्जांपल से ही हम इसको कर सकते हैं। एग्जांपल लिया आपने कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, एक लाख रुपए है, और आपका जो IFR है मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो 20,000 रुपये है। तो हम यहाँ पर दो तीन केसेस बना सकते हैं। हो सकता है कि जो मार्केट की वैल्यू है वो 90,000 हो गई, मींस वो कम तो हुई है बट IFR की रेंज में है। और मे भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया ये केस नंबर वन, मार्केट वैल्यू 90,000। केस नंबर टू, मार्केट वैल्यू 80,000। और केस नंबर थ्री, मार्केट वैल्यू 70,000। तो देखो तीन केस हैं, हालांकि तीनों ही केसों में मार्केट वैल्यू कम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी। एक केस में हमने लिया 90 हो गई, एक में 80, एक में 70। तो हम इसको ट्रीटमेंट, लेकिन ट्रीटमेंट सबका अलग अलग है। अगर हम पहले केस की बात करें तो पहले केस में वैल्यू कम हुई है 10,000, बट हमारे पास रिजर्व 20,000 है। तो 20,000 में से 10,000 तो हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के लिए यूज कर लेंगे, और बाकी 10,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड केस में हमारी वैल्यू 20,000 कम हुई है, रिजर्व भी 20,000 है, तो रिजर्व में से डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, और सिर्फ हमें उसको यूज करेंगे किस चीज में, खाली उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम होने से जो लॉस हुआ है उसी को बियर करने में। थर्ड केस में हमारी वैल्यू रिजर्व से भी ज्यादा कम हो गई, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन की तरह ही जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है 10,000, वो हमें रीवैल्युएशन अकाउंट से पूरा करना होगा। तो इसमें जो आपके एंट्रीज हैं तीनों ही केसों के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो बाकी मैं एंट्री यहां पर आपको कॉमनली बता रहा हूं कि अगर आपकी वैल्यू 10,000 ही कम हुई है तो आप एंट्री करोगे IFR अकाउंट डेबिट। जगह कम है इसीलिए मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा है, आपको शॉर्टकट में इसको नहीं लिखना होता। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कब करेंगे हम, अगर हमारी वैल्यू कम हो रही है बट लेकिन रिजर्व से ज्यादा कम नहीं हो रही। सेकंड केस की हम बात करें, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी वैल्यू उतनी ही कम हो रही है जितनी इन्वेस्टमेंट है तो आपका कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और थर्ड केस में आपको दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी, IFR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और सेकेंड एंट्री होगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन के लॉस के लिए। तो मैंने तीन केस हैं, हालांकि इसका भी हमने एक एग्जांपल बना रखा है, उस एग्जांपल से हम बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट केस। ये केस था कि जब वैल्यू कम हो चुकी है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, तो वो मे बी आपकी जो कम है वो ज़्यादा भी कम हो सकती है, कम भी कम हो सकती है, इक्वल भी कम हो सकती है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब हम बात करते हैं अगर वो ज़्यादा हो जाए तो। मोर देन बुक वैल्यू, अगर वो मोर देन बुक वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर फायदा हो रहा है। इसमें भी एग्जांपल ले लो आप कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वही सेम 1 लाख रुपए थी और आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 20,000, और मार्केट वैल्यू जो है आपकी, अब वो मार्केट वैल्यू आपकी हो चुकी है 1,20,000 रुपये या 1,30,000 आप ले लो। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहली एंट्री आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ी है तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और
करंट अकाउंट आप पूरा अमाउंट डिवाइड कर दोगे, ये जो 20,000 था। उसके बाद सेकंड एंट्री आपको करनी है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि वैल्यू 1,00,000 से बढ़कर 1,30,000 हो गई, तो आपको 30,000 रुपए का फायदा होगा। और बाद में इसी प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जब लॉस होता है तो हम लॉस भी पार्टनर से ले लेते हैं, तो उसी तरह से उनको प्रॉफिट भी हम भी देंगे। अब यहां पर कोई एग्जांपल है, मैंने पार्टनर्स नहीं लिए थे इसलिए मैंने इकट्ठा ही सब में डिवाइड कर दिया। ये हमारा केस था कि जब उसकी वैल्यू उससे ज्यादा हो जाती है। तो अभी हम इसका भी एक एग्जांपल, जैसे WCR का एग्जांपल लिया था, हम इसका भी एक एग्जांपल लेके इसको फिनिश करते हैं। हमारी आज की वीडियो का, आज की क्लास का सेकंड और लास्ट एग्जांपल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो ऑफ 4:3:2 एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट लॉसेज इन रेशो 2:3:4। अब यहाँ पर ओल्ड रेशो है कौन सी 4:3:2 एंड न्यू रेशो है 2:3:4। हमें न्यू रेशो का हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2020। अब हमें दो चीज गिवन है। अब दो चीज हमारी क्या गिवन है, हमें दो चीज गिवन है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,00,000 रुपए और रिजर्व की वैल्यू 18,000 रुपए। अब इन्वेस्टमेंट और रिजर्व की वैल्यू आपको दोनों की गिवन है, तो आपको कैसे क्या करना है, और केसेस बना रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस, तो डिफरेंट केसेस में आपको क्या करना है तो देखते हैं। सबसे पहला और दूसरा केसेस हमेशा कॉमन होता है, इसमें है या तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम है, या फिर मार्केट वैल्यू 2,00,000 है तो बुक वैल्यू भी कितनी है 2,00,000। तो इस केस में आप इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जिसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कि 18,000 है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और इस 18,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4:3:2 में, 9 से डिवाइड करोगे 2,000 आ जाएगा, 8,000, 6,000 एंड 4,000। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है या फिर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के सेम है, तो आप रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सेकंड केस, अब सेकंड केस में वैल्यू कितनी कम हो गई, 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये तो आपको इन्वेस्टमेंट फंड में से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें से 9,000 रुपये तो आपको क्लेम मतलब इसकी वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए लगाने पड़ेंगे, और जो बाकी बच गए 9,000 रुपये वो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 4,000, 3,000 एंड 2,000। मतलब यहां पर वैल्यू कम हुई बट इतनी ज्यादा कम नहीं हुई, हमारा रिजर्व ज्यादा था और वैल्यू 18,000 का रिजर्व था, 9,000 की वैल्यू कम होगी, तो 18,000 में से 9,000 तो उसी के लिए यूज कर लिए और बाकी बचे 9,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट केस है कि मार्केट की वैल्यू कम हो गई है और अब वो ज्यादा कम हो गई है, तो ज्यादा कम हो गई है तो हमें क्या करना होगा, ज्यादा कम हो गई है तो हमें जो जितना रिजर्व है रिजर्व में से बाकी अमाउंट कहाँ से यूज करना होगा, बाकी अमाउंट हमें यूज करना होगा हमारे रिवैल्यूएशन से। अब इसमें जो टोटल वैल्यू आपकी कम हुई है वो कम हुई है 27,000। अब 27,000 की वैल्यू कम हुई है तो आपकी यहां पर आपको तीन एंट्रीज पास करनी होंगी, दो एंट्रीज। तो पहली एंट्री आपको जो सॉल्यूशन की करनी है वो एंट्री है आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रिजर्व है हमारे पास 18,000 रुपए,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 रुपये, टू इन्वेस्टमेंट 27,000 रुपये, क्योंकि हमारी वैल्यू 27,000 कम हुई है। और सेकेंडली हमें ये रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर से बांटना है, बट जगह कम है इसीलिए मैं सिर्फ क्यूमुलेटिवली लिख रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन आपको इसको सेपरेट ही करना होता है कि जो ये 9,000 रुपये का लॉस है पार्टनर्स बियर करेंगे इसको किस रेशो में, 4,000, 3,000 एंड 2,000, जो भी उनकी रेशो उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड करेंगे। अब हमारा इसमें है लास्ट केस, लास्ट केस में हमारी तीन एंट्रीज होंगी। अब यहां पर हमारी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब हमें फायदा हो गया, तो यहां पर सबसे पहले तो रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। आप 18,000 रुपये के रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में, 8,000, 6,000 एंड 4,000। एक एंट्री तो आपको ये कर ली क्योंकि आपकी वैल्यू 18,000 से बढ़ गई है। सेकेंड एंट्री आपको इसकी करनी होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। और बाद में थर्ड एंट्री में आपको ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है पार्टनर्स में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू ए टू बी टू सी। ये आपके सामने है एक एग्जाम्पल कि मींस बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों ही रिजर्व, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बोथ आर स्पेसिफिक रिजर्व। ये एक स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट दोबारा से स्टार्ट हो रही है, तो उस केस में मींस कब कब होगा ये, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तो उस केस में अगर इनका कोई क्लेम या इनकी कोई वैल्यू कम हो रही है तो इट मे बी यूज्ड, अदरवाइज दे आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। थैंक यू।